खुशकिस्मती है तुम्हारी कि तुम्हें आजमाया जा रहा है, वरना ऐसा शर्फ हर किसी के नसीब में नहीं होता। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तवक्कुल और दुआएं बेमिसाल होती हैं। आसमान से जब मुआज़ों का नुज़ूल होता है तो हर तकलीफ़, गम, दुख मिटा दिए जाते हैं। नामुमकिन अब कुछ नहीं, तुमने जो सब्र किया है उसी का सिला अब मुआज़ों में मिलेगा, बस अल्लाह पर यकीन रखो। जो चीज़ तकदीर को बदल सकती हो वो दुआ है, इसलिए दुआएं लिया भी करें और दिया भी करें। तवक्कुल, सिर्फ तवक्कुल, फिर देखो किस्मतों का बदलना, रास्तों का खुलना और दुआओं का कबूल होना। अल्लाह बस देर इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारी आवाज़ कुछ देर और सुन सके, उसकी ताखीर इनकार नहीं है। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारी चाह को ही सिला तुम्हारा, यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा, फिर भले वो रास्ते में ही खो ही क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुँच कर वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद याकूब अलैहिस्सलाम तक लाया गया, तो फिर क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी लम्हों की खोई हुई चीज़ वापस नहीं मिल सकती। और कुछ लोगों को वो मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, आजमाता है, इंतज़ार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर के दरमियान से रास्ता निकालता है, उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है। किसने कह दिया कि लाडलों को तकलीफ़ नहीं मिलती, उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ़ें तो सबको मिलती हैं, लेकिन उसके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो उसे सबसे ज़्यादा महबूब होता है। हो सकता है तुम पर आने वाली आजमाइश अब इख्तिताम पर हो, तुमने जो दुआएं मांगी हुई हैं उन सब की कबूलियत का वक्त आन पहुंचा हो, और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में तब्दील हो जाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। हो सकता है इस आजमाइश के ज़रिए से अल्लाह तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो जो तुम मांग रहे हो। हालांकि तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है, फिर भी मुसलसल उसी दुआ का मांगना ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। जब आप कुछ भी ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, बस उन दुआओं का सामना होना अभी बाकी है। अल्लाह प्यास से गुजार कर ही हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को पानी के चश्मे तक लाया था, मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा भी इस आजमाइश से गुजरना ज़रूरी है। दुआ करते रहा करो, कबूलियत के फ़ैसले नियत और तड़प देख कर किए जाते हैं, हालात और असबाब देख कर नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के कितने करीब आ गए हो और तुम्हारे मौजज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया है। तुम अभी जिस मकाम पर हो वो अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा है, और इससे गुजर कर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम मांगते हो। दो लोगों के दरमियान सबसे खूबसूरत रिश्ता दुआ का होता है, क्योंकि इस रिश्ते में तीसरा अल्लाह होता है जो दुआएं कबूल करके उनके ताल्लुक को मजबूत कर देता है। इंसान, आखिर कब तक ये बेबसी मेरा नसीब है? अल्लाह, तैयार हो जाओ, बस मेरी मदद बहुत करीब है।